हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप बढ़िया होंगे और घर पे हैं, सुरक्षित हैं। कोविड का टाइम चल रहा है और कोविड के टाइम के चलते हुए एक बात बहुत ज़रूरी है कि आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आ चुका है। जीडीपी हमारी गिर चुकी है, मैंने अपनी वीडियोस में बताई, और जीडीपी के गिरने से जॉब प्रोस्पेक्टस बहुत कम हो गए हैं। तो आज की डेट में जॉब लेना और जॉब को बचाए रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। काफ़ी लोगों का इस कोविड ने रोजगार छीन लिया है, तो इसीलिए अब ये चैनल कुछ जॉब्स वैकेंसीज की बात भी कर रहा है और जॉब्स जो भी निकल पा रही है, मेरे हिसाब से जितना भी मेरे से बन पा रहा है मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी, एक मर्चेंट नेवी क्या है, तो आपको मर्चेंट नेवी के बारे में तो काफ़ी अच्छे समझ आ गया होगा, लेकिन अब मर्चेंट नेवी में जॉब प्राप्त कैसे करें, उसके लिए कौन कौन से कोर्सेस करें और किस तरीके से, कौन से कोर्स की कितना खर्चा है, कहाँ पर ये कॉलेजेस है, वो सब बातें अब मैं इस वीडियो में डालने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, मर्चेंट नेवी की जो जॉब है वो बहुत ही बेहतरीन जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी होती है। मैंने अपना बताया, एक्सपीरियंस भी बताया कि जब मैंने +2 की, उसके बाद मैंने BSc करी, MSc करी, उसके बाद BEd करी, उसके बाद मैं टीचिंग डिपार्टमेंट में आया, लेकिन मेरे फ्रेंड ने +2 करते हुए नॉन मेडिकल में था और वो सीधा मर्चेंट नेवी में चला गया, और मर्चेंट नेवी में उसने जाकर वहाँ पर कुछ पढ़ाई भी करी और जॉब भी करी। वो बहुत ही अच्छी अर्निंग्स होती है और इस ये एक ऐसी जॉब है जिसके अंदर वैकेंसीज खाली रह जाती है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बच्चे हमारे अभी 10th में हैं और 12th में हैं और वो आगे अच्छी जॉब्स प्राप्त करना चाहते हैं, 10th और 12th के बेसिस पे भी यहाँ पर डेक कैडेट्स की वैकेंसीज निकलती है, वो आप भर सकते हैं। नॉन मेडिकल के जो बच्चे हैं हमारे, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन है। और अगर आप आगे और पढ़ाई कर जॉब लेना चाहते हैं मर्चेंट नेवी के अंदर, तो वो कोर्सेस क्या हैं वो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आप देख रहे हैं educate.com, और ये मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूं, तो आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। तो मैं अब आपके साथ डायरेक्ट बता रहा हूं, मर्चेंट नेवी में हमारे पास अगर मोटी मोटी बात करें तो ये टाई अप होता है, कमर्शियल बिजनेस है, ट्रांसपोर्टेशन है हमारी, समुद्र के रास्ते ट्रांसपोर्टेशन की जा रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जितना भी होता है वो समुद्र के रास्ते से होता है हमारा। और इसमें जो है दोनों प्लेयर्स से हमारे गवर्नमेंट सेक्टर भी है इसमें, क्योंकि इंडियन नेवी भी इसमें इन्वॉल्व रहती है, और साथ में हमारे प्राइवेट प्लेयर्स भी होते हैं, क्योंकि शिप्स के अंदर कोई लूट ना ले तो सारा कुछ इसमें सिस्टम होता है। और इसके अंदर बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है, डेक डिपार्टमेंट है, इंजन डिपार्टमेंट है, और तीसरा हमारा कैटरिंग डिपार्टमेंट। जैसे बताया कि अब समुद्री जहाज ने 3-4 महीने समुद्र के अंदर रखना है तो खाने की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो कैटरिंग वाले भी इसमें यूज हो जाते हैं। जिन बच्चों ने डिप्लोमा कैटरिंग का किया होता है तो उनको भी यहाँ पर जॉब्स मिल सकती है। एलिजिबिलिटी मैंने बताई है, 10th और 12th है, और एज लिमिट है 17 से 28 साल, और लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जो जॉब लेने जा रहा है वो अनमेरिड होना चाहिए, मैरिड नहीं होना चाहिए। मैरिड वालों को जॉब्स नहीं मिलती, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। ये भी वैकेंसी जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए है। अब मर्चेंट नेवी में गर्ल्स भी ज्वाइन कर सकती है और उनके लिए भी ये सेम है। अब अगर आपने 10th करी हुई है और आप सोच रहे हैं कि मैं अपना जो है आगे जो कैरियर है मर्चेंट नेवी में पूरा करूं, अपने इसमें जॉब देखूं, तो आपको क्या क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं नियर कोस्टल वॉयज NCV कर सकते हैं, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस DNS, और कमर्शियल डाइविंग और GP रेटिंग, ये 10वीं के बाद के कोर्सेज हैं। इनको प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर से कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपको मर्चेंट नेवी में जॉब आसानी से ढूंढ सकते हैं और आपको मिल भी जाएगी। 12th के बाद आपको काफ़ी सारे इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, और इंजीनियरिंग के कोर्सेज प्राइवेट कॉलेजेस में भी हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं, जिसका लगभग खर्चा जो है 3 से 4 लाख आ जाता है। और इसमें आपकी 4 साल का डिग्री कोर्स होती है, डिप्लोमा कोर्सेज होती है 3 साल का, और अगर +2 के बाद डिप्लोमा करते हैं तो 2 साल का, तो 3 या 2 साल हो गए, और इधर डिग्री कोर्स जो है 4 साल की हो गई। इसमें क्या क्या है, BSc नॉटिकल साइंस ये 3 ईयर का कोर्स है, BE मेरीन इंजीनियरिंग, देन BE नेवल इंजीनियरिंग, देन BE पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, देन BE मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो हर ब्रांच में होती है, हर कॉलेज में होती है। और उसके बाद BE हार्बर एंड ओशन इंजीनियरिंग, उसके बाद है सिविल इंजीनियरिंग BE, उसके बाद BE इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और ये सारे कोर्सेज आप +2 करने के बाद आप मर्चेंट नेवी में जॉब प्राप्त कर सकते हैं।
प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि 10th और प्लस 2 के बेसिस पे भी अगर आप डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए डेक कैडेट, मतलब लोअर रैंक की जो होती है, जिसकी मैंने बात भी बताई थी अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी, जैसे कि लोडिंग अनलोडिंग, सफाई ध्यान रखना, शिप की पूरी मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें की जो है लोअर क्रेडिट जो जॉब होती है, सैलरी अच्छी मिलती है, लगभग 40,000 से 50,000 आपको सैलरी मिल जाती है डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। और जो फीस, जो सैलरी की लिमिट है वो 2 लाख तक जाती है। खाने पीने का सारा जो है शिप के अंदर आपका प्रबंधन होता है। उसके बाद 3 महीने के बाद, अब शिप के बाद आपको 6 महीने की छुट्टी भी मिल जाती है। तो ये आपको बेनिफिट रहता है कि भाई 6 महीने आपने काम किया शिप पे, 6 महीने की आपकी छुट्टी एंजॉय करी, और साथ साथ आप इसके द्वारा आप विदेशों में भी घूम सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जब आपकी शिप वहाँ पर बोर्ड होती है तो आपको उन दिनों का टाइम 10, 15, 20 दिन जब तक वहाँ पर रहेगी तो आप वहाँ पर घूम सकते हैं। तो आपका वर्ल्ड टूर जो है फ्री में हो जाता है। और इसमें अच्छे रैंक्स में तो फैमिली भी आप इसमें अपने साथ रख सकते हैं शिप के अंदर, लेकिन लोअर रैंक वाले फैमिलीज नहीं रख सकते। और लेकिन चलो, अब आपको सैलरी की बात है कि भाई आज की डेट में जो जॉब कम होती जा रही है, तो अगर आपको एक अच्छा बिजनेस भी यहाँ पर मिल रहा है, अगर आप, मैं तो यही एडवाइस करूँगा, जैसे आपने 10 साल मर्चेंट नेवी में लगा दी, उसके बाद आपके पास इतना पैसा हो जाएगा कि आप अपना आके बाद कारोबार कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने फ्रेंड्स की बात कर रहा था, आज उन्होंने अपना होटल खोला हुआ है और इसमें मर्चेंट नेवी में भेजते हैं, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा बिजनेस सेटअप कर लिया है। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 11 साल मेहनत करी मर्चेंट नेवी के अंदर और इतना पैसा निकाल लिया जिससे कि वो अपना खुद का काम कर रहे हैं और अच्छा होटल बिजनेस है और ऑफिस है अपना, इस तरीके से वो बच्चों को भेजते हैं उसमें एज ए। तो ये इसलिए मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर की। तो कैसी लगी ये वीडियो तो आपने ज़रूर मुझे बताना है, आपने कमेंट बॉक्स में बनाना है। और आप बिल्कुल टेंशन ना करें, मैं आपके साथ इसी वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, जो बच्चे मेरी वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं, देख पंजाब यूनिवर्सिटी और जैसे भी DU वगैरह की जितने भी एडमिशन नोटिफिकेशन जैसी आएगी, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप चैनल के साथ जुड़े रहें, आप तक हर इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जो भी डिमांड्स आ रही है कमेंट बॉक्सेस में आ रही है वीडियोस बनाने के, जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। और ये वीडियो को मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल दैट इज educate.com। जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और नोटिफिकेशन कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, जिससे कि ये वीडियोस आप तक पहुंचे। और अपना सबसे मेन बात यह है कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम बच्चों तक, अपने फ्रेंड सर्कलों तक पहुंचाएं, जिससे कि इसका जो लाभ है बच्चों तक पता चले, ज्ञान जो है वो बांटने में ही वृद्धि होती है। तो मैं ज्ञान बांट रहा हूं आप तक, तो आप भी उस ज्ञान को आगे से आगे सर्कुलेट कर दें, जिससे कि हर बच्चे को पता लग जाए कि वो मर्चेंट नेवी क्या होती है। अगर कोई उससे पूछे कि आपने मर्चेंट नेवी का नाम सुना है, तो बेसिकली चैनल यही चाहता है कि रूरल इंडिया के अंदर बच्चों तक अवेयरनेस पहुंचाए, जिससे कि बच्चों को पता हो कि वो क्या करना चाहिए, जिससे कि उसे जॉब ढूंढने में मुश्किल ना हो, जॉब उसे खुद ढूंढता ढूंढता उस तक पहुंच जाए। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई चैनल।